सभी उपस्थित लोगों को गुड मॉर्निंग और जय शहुदेव। मैं सुधांशु विल्मिंगटन डेलावेयर से आज के सत्संग को ज्वाइन किया हूं और मैं आप सभी लोगों का आज के इस पावन सत्संग में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, विगत कुछ महीनों से हम सभी ने अपने बाहर की यात्रा को बंद करके रखा है और यदि उसके कारण को जाने तो वह एक महामारी है जिससे बचाव के लिए हम सभी ने अपने बाहर की यात्रा को बंद करके घरों में अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। किंतु इस विकट परिस्थिति को भी हमने इतने अच्छे तरीके से उपयोग में लाया है और ये जो समय आया जब हम सभी अपने अपने घरों में बंद थे, विहंगम योग से जुड़े सभी लोगों ने इस विकट अवसर का भी सदुपयोग करते हुए अंदर की यात्रा को आरंभ किया। इसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, इसी यात्रा में नित प्रतिदिन प्रगति करने के लिए हम सभी हर सप्ताह इस ब्रिज लाइन पर विहंगम योग के सत्संग से जुड़ते हैं और उसी कड़ी में आज हम सब पुनः इस ब्रिज लाइन पर विहंगम योग सत्संग के एक नए सत्र में जुड़े हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, स्वामी जी सदैव सत्संग की महिमा का गान अमृतवाणी में, स्वरवेद में हर जगह करते हैं। विहंगम योग के तीन प्रमुख स्तंभों में सत्संग का जिक्र आया है। स्वामी जी ने सेवा और साधना के साथ सत्संग को किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में बराबर का योगदान देने वाला माध्यम बतलाया है। स्वामी जी ने कहा, सदाचार व्यभिचार से मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने फल सत्संग महान। तो ऐसे महान फल को देने वाले सत्संग से आज हम सभी जुड़े हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने इस आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सभी पुनः इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं। सत्संग की महानता तो इतनी है कि वेदों में और हमारे सारे आर्ष ऋषियों ने सत्संग के सुख को वैकुंठ के सुख से भी अधिक मूल्यवान बतलाया है। नित्यानादि गुरु साहब कबीर ने क्या कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। तो हम सभी का बड़ा ही यह भाग्यवान क्षण है कि हम इस साप्ताहिक सत्संग से जुड़े हैं और आज उस सत्संग में हमें विहंगम योग के एक महान शिष्य, सद्गुरुदेव के सेवाजित शिष्य को सुनने का, उनके अनुभवों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। आज के सत्संग में हमारे मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा जी, जिनमें कौन से गुण हैं इनका अगर बखान किया जाए तो शायद एक सत्र कम हो। जो एक सुधी लेखक हैं, जो एक विहंगम योग के प्रमुख मंच संचालक हैं, जिन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े
विहंगम योग के कार्यक्रमों में मंच संचालन किया, जो न कि एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, और तो और योग के बहुत ही उत्तम इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि एक लेखक, विद्वान, साधक, सेवक को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए आज के इस सत्संग को हम आरंभ करते हैं। आज के इस सत्संग की गंगोत्री में हम डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास के क्रम में आज के सत्संग का आरंभ हर बार की तरह हम करेंगे सद्गुरुदेव के आवाहन के द्वारा, स्वागत गान के माध्यम से। स्वागत गान के माध्यम से सद्गुरुदेव का आवाहन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तुलिका जी को कि आप आए और स्वागत गान के माध्यम से सद्गुरुदेव का आवाहन करें। आप तुलिका जी। धन्यवाद सुधांशु जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अन्हवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी, आपने बड़ी ही सुंदर वाणी से स्वागत गान के माध्यम से सद्गुरुदेव का आवाहन किया और आज के सत्संग का शुभारंभ किया। अब सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पण करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। सद्गुरुदेव के चरणों में मंगल गान को अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माया जी को कि आप आएं और सद्गुरुदेव के चरणों में मंगल गान को अर्पित करें। आप माया जी। धन्यवाद सुधांशु जी। जय सद्गुरुदेव। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल
नीति स्वर अपनाइए, विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए, परम गुरु को ध्याइए। आप सुधांशु जी, जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, आपने बड़ी ही सुंदर वाणी से सदगुरुदेव के आवाहन के पश्चात उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए उनके चरणों में प्रार्थना की। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आज के इस सत्संग के आरंभ में मैंने आप सभी को बतलाया कि आज हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सदगुरुदेव के एक सेवाजित शिष्य को सुनने का, उनके अनुभवों को जानने का, उनके संस्मरणों को जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज वह हमारे बीच उपस्थित हैं अपने अनुभवों को बतलाने के लिए। सो अब बिना विलंब किए इस सत्संग में हम सभी को उनके अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग के प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार जी का कि आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा जी के स्वागत में दो शब्द कहें। आप श्री विजय कुमार जी। सादर प्रणाम सभी को। जय सद्गुरुदेव भगवान। आज मेरे लिए बड़ा ही प्रसन्नता का दिन है क्योंकि इंदु जी मेरे भाई के समान हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो हंस है जिनका लालन पालन सद्गुरुदेव स्वयं करते आए हैं। मैं कई वर्षों से इंदु जी को जानता हूं। सद्गुरुदेव की कैसी दया है इनके ऊपर कि इनको हर क्षेत्र में विकास के लिए सद्गुरुदेव स्वयं व्यवस्था करते आए हैं। जब मैं इंदु जी का नाम लेता हूं तो मुझे बेंगलोर के वो क्षण याद आ जाते हैं जब सद्गुरुदेव की महती कृपा हुई और अपने दो रत्नों को, एक सुशील जी और एक इंदु जी, इनको सद्गुरुदेव बेंगलोर में भेज देते हैं अंग्रेजी की शिक्षा दीक्षा के लिए। उस समय हम लोगों ने जाना कि सहजता क्या होती है, दीनता क्या होती है, अधीनता क्या होती है। वो सारे गुण जिसके बिना हम अध्यात्म में गरीब होते हैं और वो गुण जब मिल जाए तो हम इंदु प्रकाश मिश्र बन जाते हैं। तो ये जो इंदु जी हैं ये अमीर है विनम्रता के, ये अमीर है सहजता के, ये अमीर है दीनता और अधीनता के, ये अमीर है सद्गुरु के आशीष के, ये अमीर है सद्गुरु के प्रेम के। आए हम इनके सहज वाणी में आज विभोर हो जाएं, जिनके वे वृक्ष हैं उनके कुछ बीज हमारे आत्मा में भी प्रतिष्ठित हो जाएं। आप इंदु जी। हेलो, आपकी
आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। बार बार वंदन करूं सदगुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल, केवल आश्रय सेव। देव सदा फल बंद है, नमो नमो मम देव। समर्थ सब कुछ जानता, सब लीला है तोर। जो इच्छा सो कीजिए, मैं आरत जन तोर। भक्ति आपनी दीजिए, निरति निरंतर नाम। ब्रह्म अभिमान नया वही, प्रेम चल निष्काम। व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से सर्वत्र विद्यमान परमाराध्य श्री सद्गुरु भगवान के कमल व चरणों में कोटि सह नमन। विहंगम योग संत समाज अमेरिका यूएसए से जुड़े आप सभी गुरु भाई गुरु बहन, वहां के विहंगम योग संत समाज के प्रेसिडेंट परम आदरणीय श्रीमान विजय जी, जो अभी परिचय दे रहे थे मेरे कुछ शब्दों से, और सच ये है कि जितना बोले हैं शायद उतना मैं ना हूं, लेकिन बस इतना है कि अमेरिका का नाम आता है तो आपका चेहरा जरूर याद आता है। और साथ ही बेंगलोर के वो क्षण जिसकी चर्चा आप लोग की आपकी, वास्तविक में वो मेरे लिए एक सुनहरा पल था कि आप जैसे सदगुरु हंसों के साथ रहने का, आप जैसे सदगुरु के प्रिय शिष्यों के साथ बैठने का एक विशेष अनुभव प्राप्त हुआ। और साथ ही इस संत समाज में जुड़े श्री निरंजन जी, सुधांशु जी, श्री राजकुमार गुप्ता जी और रेखा जी, विजय जी की धर्मपत्नी अंजलि जी, सभी लोग लगभग परिचित हैं। और इंडिया से भी कुछ लोग जुड़े हैं, श्रीमती रत्ना श्रीवास्तव जी और भी जो लोग जुड़े हैं, सबको, चाहे अमेरिका से हों चाहे इंडिया से हों, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। जय सद्गुरुदेव बोलता हूं। आप सबों के प्रयास से, आप सबों के स्नेह के कारण आज मुझे यह अवसर मिला है ऑनलाइन सत्संग करने का, कि इंडिया में बैठकर हम अपने जो सुदूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उन सभी भाइयों से बहनों से या जो भी जिज्ञासु वृंद हैं, उन सब से बैठकर बात करने का एक अवसर आप सबों के माध्यम से मिला है। इसके लिए आप सभी को मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम होगा। बस मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का, जो उसे हमें नहीं भूलना है, और वह उद्देश्य है विहंगम योग का। विहंगम योग का मतलब सबसे मुख्य है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये बताने का। देखिए, आज के वातावरण में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको अधिक से अधिक हम लोग शिक्षा दिलाते हैं, अधिक से अधिक ज्ञान दिलाते हैं, और उस शिक्षा के पीछे, उस ज्ञान के पीछे एक ही उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य होता है धन का आगम हो, धनार्जन के लिए ही विशेष रूप से विद्याएं पढ़ाई जाती हैं। यह सोच करके बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा विदेश में रहेगा या बेटा अपने देश में रहकर किसी उच्च पद पर रहेगा, मूल उद्देश्य होता है धन अर्जन, पैसा
कितना अच्छे से मेरा लड़का लड़की जो भी है अर्जित कर सके, वही देखते हुए हम शिक्षा दिलाते हैं बच्चों का। और धन अर्जन कोई खराब बात भी नहीं है, पैसा जितना कमा सके कमाना चाहिए, क्योंकि टकह धर्म टकह कर्म टकह ही परमम तपह, यस्य पार्श्वे टकह नास्ति हा टके टकटकायत। ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के लिए धन सबसे पहला धर्म है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप धर्म कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पैसा नहीं होता तो हम सुदूर बैठे आप सबों से बात नहीं कर पाते, मोबाइल में पैसा डाला गया, बैलेंस डाला गया, फिर नेटवर्क मिला, फिर आपसे बात हो रही, बिना पैसे के कैसे हो पाती। उसी तरह से कोई भी कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना है तो पैसे की जरूरत होती है। टकह धर्म टकह कर्म, कोई भी काम कर लीजिए दुनिया में, पैसे की जरूरत है और पैसा कमाना चाहिए। टकह ही परमम तप, और ये पैसा परम तप भी है। कितना मेहनत लोग करते हैं आप देखिए, गांव में मजदूरी करते हैं सिर्फ परिवार पालन के लिए, वो एक तपस्या ही है कि पैसा पाएंगे, परिवार का पालन होगा, भरण पोषण होगा। इसलिए पैसा कमाना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मूल उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। एक उद्देश्य, एक सहायक उद्देश्य पैसा कमाना होना चाहिए, और जितना हो सके पैसा कमाना भी चाहिए, धन अर्जन भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ धन अर्जन होता रहे और हम कुछ कर ना पाए जीवन में, जीवन में हम कुछ कर ना पाए, सिर्फ पैसा ही पैसा जीवन में रहे, आप देखिए कितने बड़े बड़े पैसे वाले दुखी हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले जो भी हैं वो दुखी हैं। ये धन ये संपत्ति मुझे आंतरिक सुख नहीं देती है, ऐसा भी कहते हैं। जो बिल गेट्स आपके अमेरिका के ही हैं, वो कहते हैं ये धन ये वैभव ये संपत्ति मुझे आंतरिक सुख नहीं देती। तो आंतरिक सुख कहाँ है, जिस सुख के लिए हम इतना मेहनत की, बचपन से लेके पूरी जवानी खपा दी पढ़ाई में और फिर सर्विस में, और लास्ट में पता चला कि वो धन हम कमा भी लिए तो सुख नहीं, सुख है ही नहीं उस धन में। फिर उस धन का क्या मतलब, जीवन यापन के लिए हमें धन अर्जन करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारे जो मनीषी हैं, ऋषि महर्षि हैं, वो भी कहते हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो चार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाराम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थक। ऋषियों ने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही मनुष्य जीवन के चार उद्देश्य हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको कहा गया, जिसे हमें पुरुषार्थ से प्राप्त करना है, वह है पहला धर्म। सबसे पहले धर्म का डंडा दिया ऋषियों ने कि कोई भी काम दुनिया में करो तो धर्म से जुड़ करके, मनुष्य हो तो मनुष्य के जो गुण हैं, मनुष्य के जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को उन आचरणों को अपने जीवन में लागू करके ही कोई कार्य करो। फिर दिया अर्थ, धर्म है तो अर्थ की भी जरूरत है, इसलिए अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों करो लेकिन धर्म से जुड़कर, इसीलिए पहला नंबर धर्म का दिया गया। अब धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धारयति इति धर्म, जिसे हम धारण करते हैं वो धर्म है। धारण किसको किए, मनुष्य के जो गुण है, मनुष्य के जो गुण है धारण किए तो हम बन गए मनुष्य, और गुण धारण कर लिए हम असुर का तो बन गए राक्षस। रावण भी विप्रकुल में राक्षस कहा गया है। क्यों कहा गया रावण विप्रकुल में राक्षस, क्योंकि रावण का जो धर्म था, रावण ने जो आचरण किया वह किया राक्षसों का, जो मनुष्यतर आचरण था जो मनुष्य के विरुद्ध आचरण था। और राम जी क्षत्रिय कुल में भी होकर पूज्य हुए, भगवान माने गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने देवताओं का, उन्होंने भगवान जैसा आचरण किया, इसलिए उनको भगवान लोग बोले। तो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही हमारा धर्म बन जाता है, हम
वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए सुपूज्य संत और श्री की वाणी आप लोग सुनते होंगे, अक्सर सा कहा करते हैं, प्रायः कहते हैं कि मनुर्भव, वेद में आया मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य किसके लिए? क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य के गुणों से दूर होते जा रहे हैं। वही वेद ने कहा कि मनुष्य तो हो लेकिन मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता अपने अंदर लाओ। अई मानव, मानव रूप धरो, नन दानवता मुपयासी कथम मनुष्य हो। भैया मनुष्य की तरह रहो, मनुष्य जैसा आचरण करो, तो प्रेम सद्भावना जो भी जितना हो सके उतना करो। ये धर्म है, धर्म आपस में लड़ने की वस्तु ही नहीं है, धर्म आपस में लड़ने की चीज ही नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य मनुष्य का है यही चार पुरुषार्थ की पूर्ति करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और लास्ट जो बताया गया मोक्ष। मोक्ष जो है परम आवश्यक है मनुष्य के लिए, क्योंकि मोक्ष नहीं मिलेगा तो हमारे जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो छूटेगा नहीं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है। 9 माह माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। और जब बाहर आता है तो वह जीव कहाँ कहाँ करने लगता है कि हमने कहाँ वचन दिया था कि बाहर जाऊंगा तो तुम्हारा भजन करूंगा। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ऊपर में पानी रहता है वर्षा का, स्वच्छ रहता है, धरती के संरक्षण में आया कि गंदा हो गया, उसी तरह यह जीव परमात्मा के पास रहता है, स्वच्छ रहता है, माँ के गर्भ में रहता है तो उस कष्ट से बेहोल रहता है और परेशान रहता है कि हे प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं तुम्हें ही याद रखूंगा, तुम्हें ही याद रखूंगा। लेकिन जो ही बाहर आया कहाँ कहाँ करके भूल गया, क्योंकि माया में लिपटा गया। वही दशा हमारी आज भी है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ बिल्डिंग बनाना, फिर सिर्फ गाड़ी लेना है, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। यदि मुख्य उद्देश्य यही होता तो आप प्राचीन काल के ऋषियों को देख लीजिए कि महर्षि महाराज भर्तृहरि अपना राज्यपाट छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने, आंतरिक शांति की खोज में चले गए। विश्वामित्र गाधितने, विश्वामित्र क्या थे? राजा थे, लेकिन राजा से फकीर बन गए, राजा से योगी बन गए। अगर उस धन में, उस वैभव में सुख होता, शांति होती, तो क्यों फकीर बन जाते, क्यों योगी बन जाते, क्यों जंगल में चले जाते? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ करके हम आप जंगल में जाएं। आज का वैसा वातावरण भी नहीं है, वैसा माहौल भी नहीं है। हर व्यक्ति को स्वयं कमाना है, स्वयं खाना है, हर व्यक्ति को मेहनत करना है, तो मेहनत करिए। ऋषियों ने सूत्र दिया, चरेवेति न दैन्यम न पलायनम, चलते रहो अपने मार्ग पर, सतत चलते रहो। जो मार्ग मिला है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करते रहो, कर्तव्य का निर्वाह करते रहो, लेकिन बहुत दीनता में मत जियो और अपने कर्तव्य से भागो भी मत। घर परिवार है, उसके पालन पोषण के लिए हमें आपको बिजनेस व्यापार करना ही होगा, हमें आपको नौकरी पेशा सर्विस करना ही होगा। लेकिन सिर्फ जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना, सिर्फ जीवन का उद्देश्य सुबह से शाम नौकरी पेशा करना, ये नहीं होना चाहिए। कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। ये नहीं कि जीवन बीत गया सिर्फ कमाने में और हम वो नहीं कमाए जिस कमाई को करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर जिस कमाई को करने के लिए मिला है, वो कमाई हम किए ही नहीं, जीवन भर सिर्फ पैसा 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 करते रहे, ये नहीं होना चाहिए। पैसा भी कमाओ लेकिन साथ में ये धर्म, सदाचरण भी हो, साधना भी हो, जिस साधना के द्वारा हम परम मोक्ष को प्राप्त करें। अब मैं आता हूं विहंगम योग की तरफ। बहुत सारे साधना है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, लेकिन विहंगम योग ही क्यों, ये भी बात है। बहुत सारी साधनाएं हैं, संस्थाएं हैं, जो ये कहती हैं कि हम तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, ईश्वर से मिला देंगे, लेकिन यहां विशेषता जो है
वह इस साधना की है। यहाँ कोई कल्पना नहीं कराई जाती है, यहाँ काल्पनिक बात नहीं कराई जाती है। मैं एक बार गया था एक सत्संग में, दूसरे संस्थान का सत्संग था। किसी संस्था की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं, इसलिए नाम नहीं लूंगा। मैं वहां गया था कर्मकांड कराने, विवाह कराने। बगल में मंदिर था, वहां से सत्संग चल रहा था। अब सत्संग से लगाव होने के कारण मैं वहां चला गया। लोगों ने बताया कि यहाँ तुरंत क्षण मात्र में कुंडलनी जागरण करा दी जाती है। मैंने कहा चलो भैया हम भी करा लेते हैं अपनी कुंडलनी जागृत। मैं भी गया। अब वहां के जो मुख्य शिक्षक थे, जैसे अपने आप उपदेष्टा होते हैं, और कोई प्रथम भूमि का उपदेष्टा होता है, कोई तृतीय द्वितीय तक भी होता है, उसी तरह से वहां भी अलग अलग प्रशिक्षक थे, बड़ा सत्संग था। मैं वहां गया, मैंने कहा कि मेरी भी कुंडलनी जागरण कराने की इच्छा है, यदि आप लोग वैसा करते तो ठीक रहता। प्रेम से उन लोगों ने बहुत प्रेम से बैठाए, बैठा करके शुरू किए कुंडलनी जागरण कराना। और जब शुरू किए तो प्रारंभ, हे माँ, हे कुंडलनी माँ, तुम जागृत हो जाओ माँ, तुम जागृत हो जाओ माँ, मैं निवेदन करती हूँ माँ, या निवेदन करता हूँ माँ, इसी तरह शुरू कर दिए लोग। अब थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि ठंडा गर्म हो रहा है सिर पे कुछ। हमने कहा नहीं, कुछ तो अनुभव नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर उन्होंने किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उनसे जो ऊपर का प्रचारक था उसको लोग बुलाए, ये पंडित जी आए हैं थोड़ा सा देखे। अब वो भी परेशान, अब जब ठंडा गर्म हो तब तो मैं बोलूं, झूठ क्यों बोलूंगा, कुछ हो ही नहीं रहा था। लगभग एक डेढ़ घंटे लोग परेशान हुए। लास्ट में जो उनके सबसे मेन पदाधिकारी थे उस जिले के, उन्होंने कहा कि पंडित जी आपके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है, उसको आप निकाल के आइए, फिर मैं कुंडलनी जागरण करूंगा। हम कहे महाराज यही तो मुझे नहीं मालूम है कि कैसे निकालूं, आप निकाल लीजिए, मैं आपके शरण में हूँ, कहिए तो पूरा साष्टांग प्रणाम कर लूं, आप वो सब निकाल के मुझे खाली करके लेकिन कुंडलनी जागरण कर दीजिए। नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण है क्योंकि वो सिर्फ कल्पना पे चलते हैं लोग। बुराई नहीं कर रहा हूं, क्षमा करेंगे अगर कोई इससे जुड़े होंगे, लेकिन वो सिर्फ कल्पना पे चलते हैं। उनके यहाँ सिर्फ कल्पना है कि ठंडा गर्म हो रहा है। बार 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 बोलेंगे किसी व्यक्ति को, बार बार पागल शब्द बोलिए ना, दो तीन दिन बाद देखिएगा कुछ ना कुछ एक्टिंग वो पागलों जैसी करने लगेगा। उसी तरह से बार बार वही चीज बोल रहे हैं, माँ जागृत हो जाओ, बार बार बोल रहे ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, कोई ना कोई कह ही देगा ठंडा गर्म हो रहा है, हो गया कुंडली जागरण हो गया। ये चल रहा है दुनिया में, अलग अलग धर्म है, कल्पना पर, भ्रम पर। लेकिन विहंगम योग कभी ये नहीं कहता है कि तुम्हें उपदेश दे रहा हूं प्रथम कोटि का, जाओ तुम्हें ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। यहां तो ये कहा जाता है कि इंतजार करो, कुछ दिन बाद खुद करके आओगे, मुझे बताओगे। विज्ञान है ये ना, यहाँ तो कहा जाता है आओ करके देखें। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि आओ मैं तुम्हारा सब कुछ करा दूंगा ना। उद्घोषणा में सद्गुरुदेव ने कहा ना कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, लेकिन यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, तुम्हें अमर लोक पहुंचाऊंगा तो लेकिन साधना तुमको करनी होगी। सब मार्ग बता दूंगा, सब व्यवस्था बता दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है। अब तुम्हारी जगह पे साधना भी मैं नहीं करने आऊंगा, साधना तो तुमको करना होगा। और साधना करोगे, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही। बिना मेहनत के फल कहाँ मिलता है दुनिया में? बिना मेहनत के यदि फल मिल भी जाता है, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। जान लीजिए, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं जो बिना मेहनत के मिल जाता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, गीता का उपदेश जब दे रहे थे विराट रूप दिखाया, लेकिन लास्ट में कहा कि अर्जुन ये सब योग माया तुम्हारा जो है भुला देगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत करके वो सब नहीं प्राप्त किया है। जब मेहनत करोगे तो मेहनत की कमाई हुई अपनी जो रोटी है ना, अगर नमक रोटी ही हो बहुत प्यारी लगती है। उसी तरह से ये अध्यात्म में भी जब मेहनत करेंगे, जब आप साधना करेंगे, जब आप सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, तब जो फल मिलेगा ना अपने आप में संतुष्टि देने वाला होगा। इसलिए यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा।
सद्गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि यहाँ ये नहीं कहा जाता कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, सब कुछ करूंगा लेकिन जब तक तुम साधना नहीं करोगे मैं कुछ नहीं करूंगा। साधना तुमको करनी होगी। नाम लिखा लेने से कोई स्कूल का अच्छा स्टूडेंट नहीं बन जाता है। स्कूल में नाम लिखाए हैं, नियमित क्लास करेंगे और विधिवत जो होमवर्क मिलता है उसको करेंगे और कुछ सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तब जाके अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और नाम लिखा ली और सब टीचर पे छोड़ दीजिए कि टीचर जी हमारे सब कुछ कर ही देंगे, तो रिजल्ट में टीचर जी सिर्फ सुनने देंगे और कुछ नहीं देंगे। उसी तरह से विहंगम योग में जिसने किया है वो तो आगे बढ़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस हमें करना पड़ेगा, हमें खुद भी करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। और जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। योग साधना में बहुत ही बल है और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहूं विहंगम योग के विषय में, मैंने भी बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं यहाँ जुड़ने के बाद भी विहंगम योग से, उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे संस्थाओं में मैं गया हूं जहां सिर्फ कल्पना है, जहां सिर्फ भ्रम है, आंख बंद करा के झिलमिल ज्योति दिखाई जाती है, थोड़ी देर आंख दबा के रखिए झिलमिल ज्योति दिखाई जाती है, क्या है ये, कल्पना है ये, भ्रम है। लेकिन यहाँ यहाँ सिर्फ विधि बताई जाती है और बोला जाता है कि करके खुद आना मुझे बताना, ये वास्तविकता है, क्योंकि गुरु को अपने ज्ञान पर विश्वास है और यहाँ के गुरुदेव ने 17 वर्षों की साधना की है, 17 वर्षों की गहन साधना हिमालय की कंदरा में की है और पूरा जीवन इसी योग साधना में उन्होंने खपा दिया है, तो लाभ तो मिलेगा ही। महिमा महापंथ मैं भाखा, दुर्लभ योग सुलभ कर राखा, जिस योग को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में ऋषियों के दरवाजे पर 12-12 वर्ष तक झाड़ू लगाना पड़ता था। एक गाय को ऋषि ने दे दिया, 1000 करके आओगे तब उपदेश दूंगा, ऐसा कहा जाता था उपनिषद देखिएगा तो। लेकिन यहाँ यहाँ तो सहजता में दे दिया जाता है, क्योंकि जो मेहनत थी, जो विशेष मेहनत थी ईश्वर प्राप्ति की विधि की, वो विधि तो जो है सद्गुरुदेव ने लाई है, वो विधि सद्गुरुदेव ने खोज ली। अब ये जिस टेक्निक से हम आप बात कर रहे हैं कितना आसान टेक्निक है, हम आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसने इस टेक्निक को खोजा होगा वो कितना मेहनत किया होगा, एक दिन में तो नहीं, हम तो क्षण मात्र में स्विच क्लिक किए, आपका आईडी जो है क्लिक किए, जो लिंक आपने भेजा आईडी नंबर डाले और हम कनेक्ट हो गए। लेकिन यही कनेक्टिविटी लाने के लिए जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा कितना मेहनत किया होगा, एक दिन में नहीं हुआ होगा, कई दिन लग गए होंगे, कई वर्ष भी लग गए होंगे। तो उसी तरह से जिस योग साधना को हम 10 मिनट की साधना में पूर्ण अनुभूत को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अमर सद्गुरुदेव ने उसे 17 वर्षों की साधना की, उसके पहले भी बहुत सारी साधनाएं उन्होंने की, बहुत सारी संस्थाओं का उन्होंने जो है योग और जो भी पद्धति थी उसको अपनाए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ, फिर ये साधना शुरू की। तो ये विशेष साधना है और हम आप मेहनत करेंगे, हम आप नियमित साधना करेंगे, विधिवत साधना करेंगे, तो निश्चित ही हमें आपको फल मिलेगा। मैं अपनी बात बताऊं, विहंगम जर्नी की जो बात आप लोगों ने कही थी कि अपनी भी कुछ लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करूं, बहुत सारे लोग जो बेंगलोर में जुड़े थे आप सबों से लगभग शेयर भी किया हूं, फिर से मैं बताऊं, जब 1999 में 24 मई को हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की उपदेष्टा श्रीमती रत्ना श्रीवास्तव जी और श्री के श्रीवास्तव जी ने उपदेश दिया, इससे पूर्व की भी मेरी हिस्ट्री थी, वो स्टोरी ये थी कि बचपन से ही मुझे ईश्वर के प्रति प्रेम था, बहुत अथाह प्रेम था। माघ मेले में मेरी माँ जाती थी, मैं कल्पवास में उनके साथ एक माह रहता था, भोजन इत्यादि करके संतों के ही
पंडाल में बैठा रहता था, किस पंडाल में कौन सी कथा कब हो रही बस वही सुनता था। एक विशेष लगाव मुझे परमात्मा से था और मेरे मन में एक चाहत थी कि मुझे ईश्वर की अनुभूति हो, मुझे ईश्वर का दर्शन हो, मैं भी दर्शन कर सकूं ईश्वर का। और वो चाहत इतनी ज्यादा बढ़ी कि 98 में 1998 में 19 मार्च को मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दी वो चाहत, वो लगाव, वैराग्य की भावना आ गई और सन्यास की भावना से मैंने घर छोड़ दिया। रात्रि में 1 बजे लेटर लिख दिए घर पे कि अब मैं घर नहीं आऊंगा, सन्यास लेने के लिए जा रहा हूं। घर परिवार वालों का हालत खराब हो गया, लेटर पढ़ के सब रो के परेशान थे। 2-3 दिन 4 दिन तक माँ वगैरह तो एकदम बेहोश थी और मैं चला आया रात्रि का ट्रेन पकड़ के वाराणसी, प्रतापगढ़ से। और वाराणसी आए, बहुत सारे संस्थाओं में गए, बहुत सारे महंतों से, सन्यासियों से मिले और अपनी एक जिज्ञासा जाहिर किए। 14-15 वर्ष की उम्र थी उस समय कि मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। और सबका एक ही आंसर मिलता था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नहर उतरे पारा। ए बालक, कलयुग में केवल सिर्फ नाम ही लेना है, राम राम करते रहो मुक्त हो जाओगे, यहाँ दर्शन नहीं मिलता। कलयुग में ईश्वर जो है किसी को दर्शन नहीं देता है, तुमको कहाँ मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कथा सिखा दूंगा, कथा करो, राम का गुण गाओ और कोई आश्रम खोल लो, धर्म से जुड़े रहो। उदर निमित्तम बहुकृत भेषम, दूसरा शब्द यही था कि जो भी हमको देख रहे हो ये सब पेट पालने के लिए मैं धर्म धारण किया हूं बेटा, और कुछ नहीं। 2-3 दिन 4 दिन जब भ्रमण किए, चौथे दिन में मन में आया कि संसार में ईश्वर है ही नहीं। निराशावादिता मन में आने लगी और मेरे मन में आया कि ईश्वर संसार में है नहीं और ये सब फालतू का, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं, छोड़कर चले गए। फिर घर 9th का पेपर छोड़कर गए थे, पढ़ाई से भी हाथ धोना पड़ा, इतनी तेज वैराग्य की भावना आई थी कि 9th का पेपर बीच में छोड़ करके चले गए थे। फिर घर गए, परेशान थी माँ, बेहोश थी माँ, रो रो करके। घर वाले भी परेशान थे, तब तो मोबाइल का भी जमाना नहीं था कि मोबाइल लेके गए हो कोई कॉल कर ले, 98 की बात है। फिर धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे देखने कि सन्यास लेने गया था, वापस आ गया सन्यास। मन में एक ग्लानी भी होती थी कि जिस कार्य के लिए मैं निकला वो कार्य हो न सका, ईश्वर दुनिया में है नहीं, लोगों से मिलने में आंख चुराना पड़ता था, इतना कि पूछिए नहीं। धीरे धीरे साल भर बीत गया। 24 मई को जब कार्यक्रम हुआ मेरे गांव में, कुछ लोग शिष्य थे, पंडित श्री लालचंद मिश्र जी वही कार्यक्रम कराए और श्रीमती रत्ना जी और श्री के श्रीवास्तव जी, आप सभी आकर उपदेश दिए हमको। गांव के लोगों ने मुझे पकड़कर उपदेश दिलाया कि इनको उपदेश दे दीजिए। हम सुशील जी दोनों लोग साथ में ही संन्यास लेने के लिए गए, साथ में ही उपदेश भी लिए। और उपदेश लेने के बाद मैंने पढ़ा था कहीं पुस्तक में कि योग करने से ईश्वर की अनुभूति होती है। मैंने पूछा था हमारे यहाँ के जो उपदेष्टा हैं श्रीमती रत्ना जी से कि क्या ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। आपने कहा था कि बेटा 3 महीने करना, 3 महीने करना, यदि कोई लाभ नहीं होगा तो छोड़ देना। मैंने भी इसे चैलेंज रूप में लिया और 3 महीने की साधना मैंने सोचा कि पूरी करूंगा। सुबह शाम जग करके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:30 बजे जग जाते थे, 4 बजे साधना में बैठ जाते थे और फिर 6-6:30 बजे तक 2-2.5 घंटा साधना करते थे। शाम में भी साधना नियमित करते थे, स्वरभेद नहीं था, वंदना पूरा पढ़ते थे और उस समय अर्थ का अभाव भी था और मेरे पिताश्री थे नहीं, इसलिए मैं भाइयों से पैसा मांगकर स्वरभेद खरीदना नहीं चाहता था। थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का व्यक्ति था, इसलिए मैं कभी भी अपने भाइयों से कुछ मांगता नहीं था।
कि मुझे पैसा चाहिए इस काम के लिए, विशेष करके धर्म कार्य के लिए। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में मार्केट जाता था माघ मेला वगैरह में, मेरे भाई लोग पैसा देते थे मैं पुस्तक खरीद कर लाता था। मेरी माँ बहुत डांटती थी कि तुम कुछ खाने पीने का नहीं लेते हो, कुछ खेलने का नहीं लेते, किताब क्या करोगे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने कहा कि वो आप नहीं समझेंगे क्या करूँगा, मुझे पढ़ने दीजिए। फिर साधना करने लगा। जब 2 महीना बीता तो मुझे चिंता होने लगी। उपदेष्टा जी लोग तो बोले थे कि 3 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा, 2 महीना पूरा हो गया, और इस 2 महीने में कुछ हुआ तो नहीं, शायद ये लोग भी झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे घर के सामने एक बगीचा था, दोपहर का समय था, मैं वहीं पे लेटा हुआ था और साधना में इतनी रुचि थी कि मैं लेटे हुए बैठे हुए जहां भी रहता था साधना करने लगता था। लेट कर मैंने कहा चलो फिर से साधना करने करते हैं, दोपहर है तो क्या हुआ। लेटे लेटे ही साधना करने लगा और साधना करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि वर्तमान सद्गुरुदेव की आभा मेरे सामने प्रकट होती है, उनका चित्र, और अंतरिक्ष नीचे से लेकर ऊपर इतना ऊपर तक गया है। मैं उस चेहरे को देख करके हंसा, जागृत अवस्था में था, हंसा और हंसा ही रह गया। कुछ देर तक मेरा मुंह खुला ही रह गया प्रसन्नता से, और वो श्वेत प्रकाश जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, वो मुस्कुराहट सद्गुरुदेव की जिसको मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। 2रा महीना जिस दिन खत्म हो रहा था उसी दिन की बात है। और फिर मैं जिधर आंख बंद करता या जिधर देखता सिर्फ वही वही छवि, वही दृश्य मुझे दिखता था। चारों तरफ सद्गुरुदेव ही सद्गुरुदेव दिखते थे। फिर मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। मुझे लगा कि कुछ तो है विहंगम योग में, कुछ तो तत्व है यहाँ। फिर मैं और साधना करने लगा और साधना इतनी अच्छी होने लगी कि फिर से वैराग्य की भावना जागृत होने लगी। फिर से वैराग्य की भावना जगने लगी मन में, और फिर ये होने लगा कि घर में उतना अच्छे से साधना नहीं कर पाता हूँ, काश मुझे आश्रम जाने का अवसर मिलता। लेकिन कोई परिचित न था, कोई परिचित नहीं था उस समय, ना ही मैं आश्रम देखा था। लेकिन पुराने हमारे जो गुरु थे स्वामी परपूर्णानंद जी महाराज, जिनके साथ मैं रामकथा इत्यादि किया करता था बचपन में, मन में भाव आया उनके पास चला जाता हूँ, उनके पास रहूंगा, रामकथा वगैरह करूंगा, साथ में धीरे धीरे पैसा होगा तो गुरुदेव का भी प्रचार करूंगा, और कम से कम साधना करने का तो अवसर मिलेगा। अब गुरुदेव से तो परिचित नहीं हूं, कैसे मैं विहंगम योग आश्रम में जाऊं। फिर मेरे मन में आया कि एक बार सदगुरुदेव से पूछ लेता हूं। उपदेष्टा जी ने यह भी बताया था कि जो भी काम हो, जो भी समस्या हो, सदगुरुदेव से पूछ लेना। फोटो के सामने जाकर खड़े होकर पूछोगे सब आंसर सदगुरुदेव देंगे। और मेरे मन में भाव आया कि एक बार पूछ ही लेता हूं, चलो। तो साधना करते थे, साधना करने के क्रम में हम जब साष्टांग करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे चौकी पर बैठ करके, तो प्रणाम की मुद्रा में 2-3 घंटा बीत जाता था। इतना आनंद आता था साधना में कि इतनी शांति हो जाती थी कि सुबह हो जाता था। रात्रि में प्रणाम करता था, सुबह 3 बजे 4 बजे नींद खुलती थी और देखता था कि सुबह हो गई है, ये स्थिति थी। मैंने प्रणाम किया सद्गुरुदेव के सामने। मैंने कहा कि प्रभु हम चाहते हैं हमारे गुरुदेव के पास जाना, आपकी क्या अनुमति है? मैं तो आपसे प्रत्यक्ष रूप में परिचित हूं नहीं, लेकिन क्या करूं, सद्गुरुदेव, वर्तमान सद्गुरुदेव कुछ देर बाद मैं देखता हूं सम्मुख प्रकट हो जाते हैं।
उनकी पूर्ण छवि मेरे सामने उभर कर आ जाती है और सद्गुरुदेव निराश भाव में कहते हैं कि इतना क्यों परेशान हो, तुम्हें दूसरे गुरु के पास जाने की अब जरूरत नहीं है, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, कौन सी चीज तुम सोचे हो जिसको मैंने तुम्हें दिया नहीं है जो दूसरे गुरु के पास जाओगे। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा और मैंने निश्चय किया कब कहीं नहीं जाऊंगा, अब सिर्फ यहीं रहूंगा, जब सद्गुरुदेव की इच्छा होगी मुझे बुला लेंगे। ऐसे ही साधना जब ज्यादा करने लगा, शाम में भोजन बना रहता था सुबह हो जाती थी, भोजन रात्रि का मैं करता नहीं था, भोजन फेंका जाता था। मेरी माँ को धीरे धीरे चिंता होने लगी, परेशान होने लगी वो। मैं मामा के यहाँ गया था, सुशील जी से उन्होंने कहा लगता है कि ये पागल हो जाएगा। हमारा और सुशील जी का घर बिल्कुल सटा हुआ था, एक ही परिवार से हम लोग थे, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये पागल हो जाएगा, इतनी साधना तो करनी ठीक नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई करने का समय है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, दिन भर साधना साधना साधना, इससे क्या होगा, पंडित जी का नाम हंसाएगा। मेरे बाबा प्रख्यात विद्वान थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि उनका नाम हंसाएगा, लोग क्या कहेंगे, उनका एक लड़का पागल हो गया है। सुशील जी उनको समझाए, लेकिन फिर भी चिंतित थे, लेटी हुई थी बिस्तर पर, और जब लेटी थी, 11:30 का वक्त था, उनकी आंख लगभग लग चुकी थी और वो देख रहे हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति आता है, चारपाई के पास खड़ा हो जाता है। तब लाइट इत्यादि गांव में ज्यादा नहीं रहती थी, दीपक का समय था, दीपक बुझा कर वो सोए थे, और वो व्यक्ति खड़ा होकर के उनसे बोलता है कि तुम उसकी चिंता क्यों करती हो, उसकी चिंता करना तुम्हारा कर्तव्य था, तुम माँ हो, लेकिन अब उसकी चिंता मैं करने वाला हूँ, अब वो मेरी शरण में है, अब उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पढ़ेगा भी, वो लिखेगा भी, वो आगे भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, चिंता मत करो, समय से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो व्यक्ति माँ के पीठ पर अपना पैर लगाए और थोड़ी दूर जा करके गायब हो गए। हमारी माँ ने दीपक जलाया, दीपक जला के देखने लगी कि वो व्यक्ति कहाँ है जो ऐसा बोल कर गया था, कोई दिखा नहीं, फिर वो सो गई। दूसरे दिन मैं जब अपने मामा के यहाँ से आया तो मेरी माँ ने वो कहानी रात की बताई कि ऐसे मैं सुशील को बोली थी, कोई व्यक्ति आया था और ऐसे बोला, मैंने कहा सपना देखी होंगी, बोली ना ना, पैर से मारा था वो व्यक्ति, मुझे दर्द भी हुआ था, जगने के बाद भी दर्द हुआ था। हम कहे ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, तो मैं तीनों स्वामी जी का फोटो लेके अपनी माँ के पास गया, मुझे अंदेशा हो गया कि मेरे गुरु ही होंगे, मैं तीनों स्वामी जी का फोटो लेके गया और जब तीनों स्वामी जी का फोटो में रखा तो वर्तमान सदगुरुदेव पर ही उन्होंने हाथ रखा कि हाँ हाँ यही तो थे, यही थे जो आए थे रात्रि में। उस समय मेरी माँ जुड़ी नहीं थी संस्थान से, वो वैष्णव भक्त थे, दीक्षा ली थी वैष्णव दीक्षा और इसीलिए माघ मेला वगैरह में जाया आया करते थे। उसके बाद उनको भी विश्वास हुआ कि हाँ जरूर कुछ गुरु में शक्ति है। फिर धीरे धीरे मेरा पूरा परिवार इस घटना से जुड़ गया, क्योंकि मुझे नहीं बताना पड़ा फिर कि गुरु कौन है, सबको मालूम हो गया, सबको माँ ने बता दिया कैसे ऐसे व्यक्ति आए थे और सब धीरे धीरे जुड़ गए। सबका कल्याण हो रहा है, सबका लाभ हो रहा है, गुरु की जितनी चर्चा की जाए वो कम होगी। बहुत बार मेरे जीवन में सद्गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है। मैं जब उपदेश लिया उस समय
पत्रिका पढ़ा, पत्रिका में पढ़ा एको देव सर्वभूतेश गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ईश्वर एक ही है और एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में भ्रम हुआ, बचपना था, भ्रम हुआ कि कहते हैं ईश्वर एक ही है लेकिन यहाँ तीन तीन गुरु बैठे हुए हैं, अब इन तीनों में अगर बड़े वाले की पूजा करूं तो दोनों छोटे वाले सोचेंगे मेरी पूजा नहीं करता है, और अगर छोटे वाले की पूजा करूं तो दोनों बड़े वाले नाराज हो जाएंगे कि छोटे वाले पूजा करता है। ऐसा भाव मन में आने लगा, बचपना था, कोई बताने वाला अभी नहीं था। और जो हमारे यहाँ के उपदेष्टा थे श्रीमती रत्ना जी, के श्रीवास्तव जी, उस समय मेरे पास फोन भी नहीं था कि फोन कर सकूं, आपका घर देखा नहीं था, तब की घटना है, उपदेश दे के आप लोग गए थे। फिर आपकी जो बातें हैं वही बातें हमारी सहायता भी करती थी। पहला आपने कहा कि नियमित साधना करना 3 महीने, दूसरा आपने जो महावाक्य दिया था कि सदगुरु के फोटो के सामने जो बोलोगे सब सदगुरुदेव जो है पूरा कर देंगे, कहीं गुरुदेव के पास जाने की या खोजने की जरूरत नहीं, ये मेरे लिए महावाक्य हो गया था। मैं सदगुरुदेव के सामने बैठकर यही प्रार्थना किया कि अब आप क्या आप बताइए, बड़े स्वामी जी से मैंने प्रार्थना किया कि आप ही बड़े हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूं, मेरी चेतना बार बार वर्तमान सदगुरुदेव पर जाती है लेकिन वो आप दोनों से छोटे हैं, कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ये बाल हटता। मैं प्रार्थना 2 दिन किया, दूसरे दिन मैं प्रार्थना करके साष्टांग प्रणाम किया और वही स्थिति में कुछ देर रह गया। फिर मैं देखता हूँ कि बड़े स्वामी जी महर्षि सदाफल देव जी महाराज मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता क्यों करते हो, जिस पर चेतना टिके टिका लो, शरीर का अंतर है, ज्ञान तो सब में एक ही है, धारा तो सब में एक ही है, शक्ति तो सब में एक ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शरीर का अंतर है, गुरु नहीं बदल रहा है, इसलिए जिस पर चेतना टिके टिका लो। तब मुझे विश्वास हो गया कि मैं वर्तमान सदगुरुदेव पर चेतना टिकाता हूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं, मतलब मैं बड़ों की बुराई नहीं करता था लेकिन एक लगाव जो होता था होता है वर्तमान सदगुरुदेव पर बहुत ज्यादा लगाव था। फिर मैं जो है वर्तमान सदगुरुदेव पर ही अपनी चेतना टिकाने लगा। समय अधिक हो रहा है इसलिए ज्यादा संस्मरण मुझे लगता है कि बोलना ठीक नहीं है, संस्मरण तो जीवन में बहुत सारे हैं, इसलिए बस इतना कहूंगा कि सदगुरु पर पूर्ण विश्वास होगा और सदगुरु के प्रति निष्ठा होगी, बस यही 2 चीज होगा तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेंगे। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। विहंगम योग किसी देवी देवता किसी संस्था की बुराई नहीं करता है लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम गुरु को पा गए, जब सदगुरुदेव को पा गए तो उनके अलावा किसी की जरूरत नहीं होती है। मैंने राम जी की पूजा की है, मैंने कृष्ण जी की पूजा की है, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है, मंगलवार व्रत भी मैं बचपन में ही रहा हूँ, बहुत छोटे उम्र में रहा हूँ, उन सबों का ही फल था कि मुझे ऐसा गुरु मिला जो मुझे सब कुछ बताने वाला, जो ईश्वर के दर्शन की लालसा थी वो लालसा मेरी अपने आप पूरी हो गई, क्योंकि इतना महान सदगुरुदेव मुझे जो मिले हैं मैं उसी से अपने आप को धन्य समझता हूँ। जीवन में सहायता तो सदगुरुदेव ने बहुत की है, उसको मैं कितना वर्णन करूं वाणी कम पड़ जाएगी लेकिन उनका गुणगान कम नहीं होगा। बस इतना जरूर कहूंगा कि सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण आस्था हो, विश्वास हो और जितना हो सके अधिक से अधिक साधना करिए, सेवा हो सके जो भी करिए और सत्संग करिए, यही 3 सार है जीवन का और यही मूल उद्देश्य है। जब हम सेवा करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, स्वतः ही हमारे अंदर के अंतरकलह दूर होने लगते हैं। इसलिए सदगुरुदेव से जुड़े रहिए, सदगुरुदेव
जितना हो सके उनके प्रति प्रेम अर्पित करते रहिए, साथ में जो भी जहां भी हैं अपने बिजनेस व्यापार में जो भी आपका जो पेशा है उसको भी करते रहिए, वो भी करना जरूरी है। न दैन्यम न पलायनम, दीनता भी नहीं और पलायन भी नहीं अपने कर्तव्य से, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। और अमेरिका में तो अभी जो महाविभीषिका है सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो आप सबों का जो है हर तरह से सद्गुरुदेव कल्याण करें। और मुझे भी चिंता थी कि आप लोग कैसे होंगे अमेरिका वाले जो भी गुरु भाई गुरुबान हैं, बल्कि मैंने श्रीमती रत्ना जी से भी पूछा था एक दिन कि कैसे हैं सौरभ भैया लोग, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, उनके यहाँ उतना दिक्कत नहीं है। निरंजन जी और सुधांशु जी से भी आप सभी का मैं समाचार लिया हूँ, तो पता चला सब सुरक्षित हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि सब इस महामारी से सुरक्षित रहें, अपने घर में जैसे भी हो उसका पालन करते हुए मुख्य रूप से सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें, सद्गुरुदेव से जुड़े रहें। और सत्संग जो ये ऑनलाइन सत्संग है इससे जुड़े रहिए, सबको बल मिलेगा, निश्चित ही बल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और विजय जी, निरंजन जी, सुधांशु जी या अमेरिका के जो भी हमारे प्रिय गुरु भाई गुरु बहन हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया आप सभी के बीच में बोलने का। जीवन में कभी फिर अवसर मिला तो और भी बहुत सारे जो भी जीवन में संस्मरण है उन सभी को शेयर किया जाएगा। समय की बाध्यता है, आप सभी प्रतिपल अपने समय में लगे हुए हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा जी। इंदु जी, जब आपने अपने अनुभवों को, विहंगम योग की अपनी यात्रा को, सद्गुरुदेव से जुड़े अपने संस्मरणों को इस मंच पर हम सभी से साझा किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित सभी जिज्ञासुओं में, सभी शिष्यों में, उनके अंदर भी जो भी संशय रहा होगा वह दूर हुआ होगा और सद्गुरु के चरणों में उनकी आस्था और दृढ़ हुई होगी। जब आपका प्रवचन हो रहा था तब बहुत से जिज्ञासुओं ने अपने बहुत सारे प्रश्नों को रखा, लेकिन उन प्रश्नों की ओर जाने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक दो और संस्मरण शेयर करें, क्योंकि हमारे ब्रिज लाइन पर बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आपसे प्रार्थना की जाए कि आप एक दो संस्मरण और हम सभी के बीच रखें। आप इंदु जी जी, हेलो जी जी, हेलो जी, हाँ आवाज जा रहे हैं जी, ठीक है। धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। और देखिए, जीवन में सद्गुरु की महत्ता है हमने जाना, और हर क्षण सद्गुरु हमारे साथ हैं। मैं अभी 10 साल पीछे की एक घटना बताऊं, शादी 2009 में हुई मेरी, 2010 में बेटा हुआ घर में, और हुआ रत्ना जी जो हमारे यहाँ के उपदेष्टा हैं उन्हीं के ही आवास पर, उन्हीं के साथ जाकर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए वाइफ को, और बेटा हुआ। वहाँ हमने दर्शन भी कराया मंदिर में, उसके बाद रत्ना जी के यहाँ एक सुंदर मंदिर है स्वामी जी का, उस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दर्शन कराकर हम घर आए, घर आने के बाद 4 दिन तो हॉस्पिटल रखा डॉक्टर, अपने कस्टडी में, माँ से दूर रखा, वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, थोड़ा सा टाइट नियम रहता है। और 5वें दिन जब घर आए, रात्रि में ही जो है बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो लोग परेशान हुए, फिर रात्रि में लेकर हॉस्पिटल में आए प्रतापगढ़। वहाँ का डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर रवि डॉक्टर हैं प्रतापगढ़ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा कि 80% चांस नहीं है कि बचेगा, 20% चांस है कि बच जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, आप ले जाइए इसको जो है
इलाहाबाद प्रयागराज जब हो गया है वहाँ ले जाइए, उन्होंने रेफर किया, ले गए, रात्रि 1:30 बज गया था लगभग, एडमिट किए बच्चे को। एडमिट करने के बाद उसको वेंटिलेटर पे लोग ले गए, बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। और फिर सुबह हुई जब मेन डॉक्टर उसके आए, उनसे हम मिले, उन्होंने कहा कि देखो आपका बेटा बचेगा नहीं बचेगा ये कोई गारंटी नहीं है। मैंने एडमिट तो कर लिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने कहा ठीक है। रात्रि में ही मैं अवनीश जी को फोन किया जो सुपोजिशन तरोसरी के सेवा में रहा करते हैं, मैंने कहा कि मैं इलाहाबाद में एडमिट किया हूँ बच्चे को और कुछ व्यवस्था नहीं है, अगर ला सको तो सुबह कुछ चादर वगैरह ला देना बैठने उठने के लिए रहने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर सुबह अवनीश जी आने लगे जब, तो सदगुरुदेव ने पीछे से बुलाया कि अवनीश कहाँ जा रहे हो। अवनीश ने कहा मैं संकोच बस सदगुरुदेव को ये घटना नहीं बताया, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना कि सदगुरुदेव से आध्यात्मिक मांग ही करनी चाहिए, सांसारिक मांग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सदगुरुदेव से कहा ही नहीं संकोच बस कि अब क्या कहूँ कि इस मुसीबत में हूँ, अब सदगुरुदेव मेरे बच्चे को बचाइए, सदगुरु से ये प्रार्थना करनी अच्छी नहीं लगी मुझे। सदगुरुदेव ने उन्हीं से पूछा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा बताया सब बात कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ ये सब। तो सदगुरुदेव ने कहा ठीक है फोन लगाओ। स्वामी जी फोन लगवाया, उन्हें इसने कहा स्वामी जी बात करेंगे। तो मेरी आंखें भर आई कि मैंने उनसे नहीं कहा, देखी वो खुद ही याद कर रहे हैं, याद दया को लावती प्रभु कृपाल भगवंत, मन में तो याद कर ही रहा था। फिर उन्होंने जो है सदगुरुदेव ने हाल समाचार पूछा, हमने बताया, और उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो बाहर जाना है, टिकट है, लेकिन आप धैर्य से रहिए, डॉक्टर जो कहे वो करते रहिए, बच्चा ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये मेरे लिए ब्रह्मवाक्य हो गया कि अब तो ठीक ही होना है इसको। फिर भी पहले दिन से पांचवा दिन पहुंच गया, 5 दिन तक डॉक्टर ना 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 करता रहा कि अभी कोई चांस नहीं कोई चांस नहीं। 5वें दिन जब डॉक्टर बोला कि अभी कोई चांस नहीं है, डॉक्टर से मिलके मैं नीचे गया और बैठकर सिर्फ चिंतन ही कर रहा था कि अगर ये बच्चा मर गया या कुछ हो गया इसको तो मेरी पत्नी तो पगला जाएगी, क्योंकि बच्चों से सबसे ज्यादा प्रेम माँ को होता है। और उसमें भी वो जब घर पे आई, मैंने सब कुछ छुड़वा दिया, न कृष्ण जी की पूजा, न कोई फोटो घर में थी, न कोई व्रत उसको रखने दी। मैंने कहा कि देखो हमारे घर में आई हो तो हमारे जो गुरु हैं उनको अपना लो, और जो भी पूजा पाठ हम करते तुम भी वही करो। और उसने सादर स्वीकार भी कर लिया था और वो पूजा पाठ करना भी शुरू कर दी थी, और पूर्ण आस्था उसको भी थी। लेकिन मन में हो रहा था कि मैंने छुड़वा तो उसका दिया है, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो महिलाओं की आस्था बहुत जल्दी डगमगाती भी है, बहुत ज्यादा आस्थावान महिलाएं होती हैं और पल में उनकी आस्था डगमगाती भी है, ये भी तत्व मैं जानता था। तो मैंने सोचा कि गड़बड़ा जाएगा तो ये जो है पगला जाएगी, और सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे होगा प्रचार नहीं कर पाऊंगा, हरदम टोकती रहेगी कि आपके गुरुदेव इतने शक्तिशाली थे, इतने महान थे, तो बच्चा बच्चा के उन्हें ताना भी मार सकती, कुछ भी कर सकती है, जबकि वैसा थी नहीं। भगवान करे जैसी पत्नी है मेरी वैसी सबको मिले, इतनी सभ्य और सौम्य स्वभाव की है, हर जगह मेरा सहयोग करती है। लेकिन मन में भाव चल रहा था और मुझे लगा कि मैं अगर कुछ होगा भी तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ लोग आते हैं चले जाते हैं, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन उतना लगाव नहीं था। यही चिंतन कर रहा था, मेरी आंख झपने लगी, 4-5 दिन से सोया भी नहीं था। मैं देखता हूं कि मेरे सामने पुनः वही वर्तमान सदगुरुदेव मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं, उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और बोलते हैं कि हिंदू प्रकाश चिंता क्यों कर रहे हो, बच्चा तो ठीक हो गया है ना, अब तो बच्चा ठीक हो गया है, क्यों परेशान हो। मैं झटके में जो है उठता हूं कि अरे
अभी तो डॉक्टर बोला था कि बच्चा ठीक नहीं होगा, और ये सदगुरुदेव हमारे कह रहे बच्चा तो ठीक हो गया है। ठीक होगा नहीं, ठीक हो गया है। मैं आश्चर्य पड़ गया कि कैसे हो सकता है। तब तक एक व्यक्ति नीचे आता है और वो बोलता है आराधना मिश्रा के साथ कौन है। मैं हड़बड़ा गया, मैंने कहा भैया मैं ही हूं, बताओ। उसने कहा बच्चे का कपड़ा लेके चलो, डॉक्टर साहब बुलाए हैं। हमने कहा ठीक है। अब मैं कपड़ा लेकर के ऊपर गया कपड़ा लेने के लिए, परिवार के लोगों ने पूछा, मेरी बहन थी, पत्नी थी, सभी लोग थे। हमने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर कपड़ा मंगाया है, कपड़ा दो, लेके जाता हूँ। पूरा कपड़ा वगैरह सब निकलवा दिया था। फिर कपड़ा लेके मैं डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर ने कहा कि मिश्रा जी आपका बच्चा पूर्ण स्वस्थ है। मात्र 3 घंटे का अंतर, 3 घंटे पहले उसने कहा ठीक नहीं होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 3 घंटे के बाद ही, 2-3 घंटे के अंतराल में ही उसने कहा कि आपका बच्चा स्वस्थ है, शाम तक इसको जनरल में ले जा सकते हैं। आपके साथ चमत्कार है, ऐसा लग नहीं रहा था ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो गया है, अब आप इसको शाम में ले जाइएगा जनरल में। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। ये सदगुरु की दया थी, सदगुरु की कृपा थी। आप उनको अगर याद नहीं भी करते हैं, मैंने तो याद नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप में ग्लानी हो रही थी कि क्या मैं सदगुरुदेव से संसार की प्रार्थना करूं। वो स्वयं मेरा, क्योंकि मैं उनके कार्य में लगा था। हाँ, यही एक प्लस पॉइंट मेरे साथ था, मैं सतत उनके कार्य में लगा हूं। जब अपनी पूरी व्यवस्था उनके हाथ में दे दिया हूं, तो कहीं मुझे डूबने नहीं देंगे, मुझे विश्वास है कहीं नहीं डूबने देंगे। आप बस अपने आप को उनमें समर्पित कर दीजिए। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में कहा ना भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, पूरा उपदेश दे दिया 18वें अध्याय में, कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। बस शरण में जाने की जरूरत है। और वो बच्चा जब 10-12 दिन हो गया, वहां से मैं घर लाया, आश्रम का दर्शन करा करके। हॉस्पिटल में थे तो महिलाएं मान्यता बहुत जल्दी मानती हैं, उन लोगों ने मान लिया था कि ठीक होगा तो पहले आश्रम जाएंगे, दर्शन करा के तब घर जाएंगे। माता श्री से हमने, माता जी से आदेश लेकर दर्शन कराया माता जी का, स्वामी जी उस समय थे नहीं। और उसके बाद में बेंगलोर में कार्यक्रम था, वहां सदगुरुदेव से मिला। सदगुरुदेव ने हाल समाचार पूछा बच्चे का, तो मैंने बताया। सदगुरुदेव ने कहा कि सब ठीक हो गया। मैंने कहा सब आपकी कृपा से हुआ है प्रभु। और मैंने कहा कि आप उस समय थे नहीं, माता जी का दर्शन और आश्रम का दर्शन उसको कराया हूं, लेकिन इच्छा है कि आपका व्यक्ति रूप में एक बार उसको दर्शन करा दूं, क्योंकि वो आपका ही प्रसाद है, नया जीवन तो उसको आपने दिया है। स्वामी जी ने सहज स्वीकार कर लिया, डेट दे दिया कि ठीक है आश्रम पे आना लेकर। आश्रम पे मैं निर्धारित तिथि पे गया, डेट तो याद नहीं है। और जब गया तो रूम में बैठा, जिस रूम में हम लोग रहते थे, झूसे में भी रहने के लिए एक रूम मिला था मुझे, तो उस रूम में जाकर बैठे परिवार के साथ। माँ थी, हम थे, पत्नी थी, बच्चा था। मेरी पत्नी के मन में भाव आया कि जब हम लोग सदगुरुदेव के पास जाएंगे तो सदगुरुदेव के साथ बच्चे का एक फोटो ले लेंगे। उसने कहा कि मीडिया विभाग से किसी को, राजू जी को या सरोज जी को, किसी को बुला करके जो है फोटो खिंचवा लीजिएगा बच्चे का। तो मैंने कहा कि देखो सदगुरुदेव से मैंने आज तक कुछ मांगा ही नहीं है, मैं कैसे कहूंगा स्वामी जी आप इसको लीजिए और मैं फोटो खिंचवाऊंगा, ये अच्छा नहीं लगेगा और मैं ये कर भी नहीं पाऊंगा। उसने कहा कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए। हम लोग कम से कम फोटो रहेगा, वो देखेगा कि मैं सदगुरुदेव के पास था, गोद में था, कितना अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा तो लगेगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये कहेगा कौन, सदगुरुदेव से मैंने आज तक कोई भी प्रार्थना नहीं की है, मैं कुछ कहा ही नहीं हूं, मैं नहीं कह पाऊंगा, मेरी वाणी बोल ही नहीं पाएगी। उसने झुंझला के कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप डरते हैं। मैंने कहा हाँ मैं डरता हूँ, गुरु से डरना ही चाहिए। फिर सेवक के द्वारा सूचना मिली, आचार निवास में गए हम लोग, और जो गेस्ट हाउस है
जिसमें स्वामी जी दर्शन देते वहां बैठे। सदगुरुदेव थोड़ी देर बाद अंदर आए और गेट के अंदर जो ही आए स्वामी जी ने कहा कि बच्चा कहाँ है, दीजिए मुझे। प्रणाम हम लोग किए, बच्चे को सदगुरुदेव के हाथ में दे दिए। सदगुरुदेव ने कहा कि इंदू प्रकाश। मैंने कहा जी स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कैमरा नहीं है। मैंने कहा प्रभु नहीं तो कैमरा मंगाइए, बच्चे का फोटो मेरे साथ खिंचवाइए। मैंने कहा प्रभु कैमरा तो नहीं है और लाने में टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं है, जाइए बोलिए सरोज को कैमरा लेके आए, मैं यहाँ बैठता हूँ और बच्चे की मेरे साथ फोटो होगी और फोटो खिंचाएगा, उसके बाद आप जाएंगे। क्या है ये? वहां रूम में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर रहा हूं। यहाँ सदगुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि बिना फोटो खिंचाए जाने नहीं दूंगा। ये सदगुरु पर अपना भार छोड़ देने का अर्थ है। सदगुरु पर हम अपना भार छोड़ देते हैं, सदगुरु को अपनी जीवन की नैया दे देते हैं, तो सदगुरुदेव अपने आप सब काम कर लेते हैं। स्वरवेद में लिखा है ना कि याद दया को लावती, प्रभु कृपाल भगवंत अधिक याद प्रभु करत हैं जो थोड़े कर संत। आप यदि थोड़ा सा याद प्रभु को कर देते हैं तो प्रभु अपार दया कर देते। या और द मिलाकर याद बनता है, उसी को प्रभु उलट देते हैं, द को आगे कर देते या को पीछे कर देते, दया हो जाती है। तो जब हम उनको याद करते हैं तो ये प्रभु हम पर दया करते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके याद करें और निश्चित ही कल्याण होगा हमारे जीवन में और बहुत ही आनंद आता है। एक दो मिनट का और संस्मरण सुना दूं, संस्मरण की बात है, समय है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाएं। बस बस दो मिनट, क्योंकि सबका समय भी लेट हो रहा होगा। उसके बाद की बात मैं बताऊं, दो मतलब वही 3-4 साल का था मेरा बच्चा, 4 और साल का था। फिर यहाँ 2 साल का हुआ, जब 2.5 साल का तभी सदगुरुदेव ने कहा कि बच्चे का एडमिशन करा दीजिए और बनारस में पढ़ाइए उसको। तो बनारस में फैमिली लेकर के यही पढ़ाने लगे। सदगुरुदेव ने ही स्कूल खुजवा करके उसका नाम लिखाने को कहा कि इसी स्कूल में नाम लिखाई डालिम्स में। वहां मैंने नाम भी लिखाया। पता नहीं सदगुरुदेव उसको बहुत लगाव था छोटे में ही। स्वामी जी सुनता कि स्वामी जी आए हैं, 3 साल का इधर भाग जाता बिना मेरे से बताए ही, और सदगुरुदेव उसको प्रेम से रखते भी, लगाव था। 4-4.5 साल का था जब, तब वो स्कूल से आया। स्कूल से आया तो सदगुरुदेव बाहर से आए थे और उनके साथ कोई एक महात्मा भी आए थे अमेरिका से, और स्वामी जी उन्हीं से चर्चा कर रहे थे, व्यस्त थे। तो वो स्कूल से आया, पता चला स्वामी जी आए हैं, तुरंत गेट पे दौड़ के गया। गेट पर गार्ड ने रोक दिया, कभी मत जाओ बाबू, अभी स्वामी जी बिजी हैं। वापस आ गया, मेरे से बोला कि स्वामी जी आए हैं और अंकल मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने कहा कि छोड़ दो, स्वामी जी बिजी होंगे। थोड़ी देर बाद फिर गया, फिर गार्ड ने वापस कर दिया कि नहीं स्वामी जी अभी बिजी हैं। फिर आया, पापा आप चलिए ना। मैंने कहा कि देखो स्वामी जी बिजी हैं, हम नहीं चलेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है। फिर तीसरी बार गया, फिर गार्ड ने मना कर दिया। फिर आके वो मुझे कहता है कि पापा चलिए ना, मुझे स्वामी जी से मिलना है, जिद करने लगा। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चौथी बार आकर वो रोने लगा कि मुझे स्वामी जी बुला रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे बुला रहे हैं, ज्ञान कहाँ हुआ हो, ज्ञान कहाँ हुआ हो। उसका नाम स्वामी जी ने ज्ञान प्रकाश रखा था। मुझे बोल रहे हैं बार बार कि ज्ञान कहाँ हुआ हो और आप है कि चल नहीं रहे हैं, मुझे ले चलिए स्वामी जी के पास। अब मैं परेशान हो गया कि ये बार बार इतना हट कर रहा है, हो सकता है कि सदगुरुदेव का इससे कुछ कनेक्शन हो। अब मैं दुविधा में था कि अगर ले जाऊं, स्वामी जी बिजी हैं तो उनके कार्यों में बाधा पहुंचेगी, ये तो अबोध बालक है, लेकिन गलती मेरी कही जाएगी ना, अच्छा नहीं रहेगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर खाती जी जो स्वामी जी के सेवक हैं जा रहे थे दरवाजे से ही, तो प्रेम रखते हैं, उन्होंने पूछा कैसे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि बार बार जिद कर रहा है, क्या करूं बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए इसका और सदगुरुदेव का क्या कनेक्शन है, ये हम आप नहीं जान सकते, अगर जिद कर रहा है तो ले जाए, हो सकता है।
कि सदगुरुदेव इसको याद कर रहे हों। मैंने कहा कि ठीक है, अब आपकी बात मानकर जाता हूँ। मैं गया सदगुरुदेव मंदिर पर, स्वर्वेद महामंदिर पर, तीसरे तल पर थे, भ्रमण कर रहे थे उस समय, वही महात्मा जी को दिखा रहे थे, और भी बहुत सारे शिष्य थे। तो मैं जब तीसरे तल पर उसको लेकर गया, सदगुरुदेव की दृष्टि पड़ी, ज्यों ही गेट से सीढ़ी से अंदर तरफ गया तीसरे तल पर, सदगुरुदेव रुक करके सबको रोक कर बोले, आओ ज्ञान, कहाँ थे तुम? मैं बहुत देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, तुम थे कहाँ? मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा कि ये गुरु और शिष्य का प्रेम है। मैंने कहा कि प्रभु ये तो आपको ही याद कर रहा था, लेकिन मैं ला नहीं रहा था। मैं जो है ला नहीं पा रहा था, सिर्फ असमंजस में कि कैसे ले जाऊं, आपके कार्यों में बाधा पड़ेगी। सदगुरुदेव ने कहा, नहीं, ये तो मेरा प्रिय शिष्य है, मेरे पास आने देना चाहिए, आपको रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, मैंने आपकी बात समझ नहीं पाई, ये सदगुरु की कृपा है, ये सदगुरु की महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम होगी, वाणी जो है कम पड़ जाती है उनकी महिमा गाने के लिए, बस जुड़े रहिए जितना हो सके सेवा सत्संग से, जितना हो सके साधना भी करिए, और निश्चित ही फोटो के सामने जो भी हैं, सुदूर आप बैठे अमेरिका में, तब भी आपके पास आपके गुरु हैं, और जो चित्र रखे हैं उसी चित्र के सामने प्रार्थना करें। कभी कभी होता है, मैंने भी अनुभव किया है, कभी कभी रिप्लाई मिलने में लेट हो जाता है, लेकिन मिलता है। बहुत सारे लोग वो भी इसलिए जाते हैं कि मेरी बात तो सदगुरुदेव सुनते नहीं, हमारे कष्ट तो सदगुरुदेव दूर नहीं करते, एक दो बार एक दो दिन प्रार्थना किए और उनको लगता है कि सदगुरुदेव हमारे कष्ट को दूर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सोचिए, आप जब बुखार होता है आपको, डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, वो पहले बुखार चेक करता है और वो देखता है कि किस तरह का बुखार है, उस अनुसार वो दवा देता है, और उस दवा का डोज उस अनुसार निर्धारित होता है, और टाइमिंग भी कि आपको 10 दिन दवा लेना है, कि 15 दिन की, एक महीने की, एक साल तक दवा खाना है, जो जैसा रोग होता है उसी अनुसार उसकी दवा और डोज निर्धारित होती है। उसी तरह हमारे आपके कर्म संस्कार हमारे आपके साथ चल रहे हैं। कभी कभी होता है कि साल 6 महीना लग जाता है, दो दो तीन तीन साल हो जाता है कृपा प्राप्त होने में, तो इससे ये ना सोचे कि सदगुरुदेव हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। आप सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो वो सहायता जरूर करते हैं, लेकिन आपके कर्म संस्कारों के अनुरूप, जो पूर्व में कई जन्मों के संस्कार हमारे आपके साथ जुड़े हैं, उनके अनुरूप फल मिलने में थोड़ा बहुत कभी कभी विलंब हो जाता है, लेकिन गुरु कृपा हम पर आप पर जरूर करते हैं। कई जन्मों के पाप एक ही जन्म काट रहे हैं, ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत जन्म के पाप हमारे आपके एक जन्म में कट रहे हैं। ऐसे ही जो डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद जी भी अंगम योग संत समाज के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब शरीर छोड़ा, एक भक्त ने क्वेश्चन किया कि प्रभु 3 महीने कोमा में क्यों रहे, आपकी उन्होंने बहुत सेवा की है। सदगुरुदेव ने कहा कि सिर्फ 3 महीने ही रहे ना, उस 3 महीने के लिए उनको दूसरा जन्म तो नहीं लेना पड़ता, फिर से वो कष्ट तो भोगना नहीं पड़ता, अंतिम अवस्था थी, वो सदगुरुदेव ने इसी जन्म में पूरा उनका कष्ट काट दिया, ये कम बात नहीं दिखती तुमको, ऐसा सदगुरुदेव ने कहा। तो हमारे आपके अनेकों जन्मों के कष्ट एक ही जन्म में कुछ कम समय में ही काट दे रहे हैं सदगुरुदेव, ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सदगुरुदेव पर पूर्ण आस्था होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और सुबह शाम जैसे भी हो सके साधना करनी चाहिए। समय मान लीजिए अलग अलग ड्यूटी होता है लोगों का, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट होता है, जैसा हो आप समय निकाल करके सुबह शाम सदगुरुदेव के सामने बैठिए जरूर, उनसे प्रार्थना जरूर करिए। मन नहीं लगता है कोई बात नहीं, उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट कि हे प्रभु मन लगाइए, थोड़ी देर अभ्यास करिए। मन तो भागता है, मन भागेगा उसको पकड़ के लगाना, फिर भागेगा फिर पकड़ के लगाना, यही तो अभ्यास है, यही करना है। बस जीवन में जितना मिल सके
उतना जरूरी है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि बचपन में ही सद्गुरुदेव का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ और हमारे प्रतापगढ़ में भी जो है सद्गुरुदेव की मूर्ति लगी हुई थी, उसी वर्ष शायद 99 में ही मूर्ति लगी थी। मूर्ति लगने के बाद सुपूज्य संत और श्री श्रीमती रत्ना जी के आवास पर गए थे, तब मैं घर रहता था। मेरे साथ एक शिक्षक जो संगीत के थे, उनको मैंने जिज्ञासु बना कर ले गया। मैं उनको बहुत सत्संग दिया कि विहंगम योग से मुझे लाभ हुआ है, आप भी चलिए। जिज्ञासा भाव से वो भी गए और करीब आधा घंटा हम लोग बैठे रहे, संसरी नहीं आए थे। आधे घंटे बाद वो बोलते हैं कि कहो इंदु प्रकाश। हमने कहा कि हाँ गुरु जी। उन्होंने कहा ये महात्मा जी कुछ बोलेंगे भी कि सिर्फ मौन बैठे रहेंगे। मैंने कहा कौन महात्मा जी? उन्होंने कहा ये जो बैठे हैं मंदिर में ये कुछ बोलेंगे, कथा उथा बोलेंगे कि चला जाए। मैंने कहा कि गुरु जी ये महात्मा जी मूर्ति रूप में है, व्यक्ति रूप में नहीं है। उनको व्यक्ति रूप में दिख रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे तो व्यक्ति रूप में दिख रहे हैं। मैंने कहा कि धन्य हो प्रभु। मैंने प्रभु को प्रणाम किया और ये सदगुरु की कृपा है कि इसको कहां किस रूप में दर्शन दे देंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आप सभी जुड़े रहें, सदगुरु के प्रति कृतज्ञ रहें और अपनी निष्ठा व्यक्त करते रहें। आप सबों का बहुत समय मिला, बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला, मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। और जो भी इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किए, सबके प्रति मैं आभारी हूँ। और आप सभी ने धैर्य से, शांति से मेरे वचनों को सुना है। यदि वाणियों से कभी किसी को ठेस पहुंचा हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को सद्गुरु चरणों में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा जी, अपने अनुभवों और संस्मरणों को हम सभी के बीच रखने के लिए। सदगुरु के चरण में एक शिष्य की कैसी दीनता हो, अधीनता हो, इस प्रकार का समर्पण हो, आपके संस्मरण से उसकी प्रेरणा इस ब्रिजलाइन पर जुड़े शायद सभी शिष्यों को आज मिली होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज यहाँ जुड़े सभी लोगों में यह प्रेरणा आई होगी कि वही दीनता, वही अधीनता, वही समर्पण हम सभी अपने जीवन में लाने का प्रयास करें और करते रहेंगे। आपके प्रवचन के क्रम में बहुत से जिज्ञासुओं के बहुत से प्रश्न आए, तो जिस प्रकार आपका प्रवचन हुआ उसी के हिसाब से मैं इन प्रश्नों को रखता हूँ। जैसे सर्वप्रथम आपने आरंभ किया, मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और उसमें आपने अनेक ऋषि महात्माओं का उदाहरण दिया, जिसमें आपने महर्षि विश्वामित्र का भी उदाहरण दिया। तो एक प्रश्न हमारे विहंगम योग के सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य योगेश जी का है, और योगेश जी यह जानना चाहते हैं कि क्या महर्षि विश्वामित्र सद्गुरु थे या सिर्फ ब्रह्मज्ञानी थे। इस पर यदि आप अपने विचारों को रखें, आप देखिए, विश्वामित्र जी ब्रह्मज्ञानी थे और उन्होंने साधना की थी, और उन्हें जो ब्रह्मर्षि है, महर्षि का जो पद है वो भी वशिष्ठ जी ने दिया था। उन्होंने साधना बहुत की थी लेकिन अहंकार था राजा का, और उनके अंदर अहंकार था बहुत ज्यादा। उस अहंकार को वशिष्ठ जी ने धीरे धीरे दूर किया, और एक दिन वो जो कथाओं में आता है, एक दिन वो बहुत क्रोधित भाव से आए कि आज तो वशिष्ठ को जो है हमें समाप्त कर देना और ब्रह्मर्षि पद मुझे प्राप्त कर लेना है। वशिष्ठ जी की जो धर्मपत्नी थी वो वशिष्ठ जी को समझा रही थी कि विश्वामित्र जी तो
वास्तव में ब्रह्मज्ञानी हैं और उनके अंदर जो है वो ब्रह्म तेज भी है, आप उनको ब्रह्मर्षि पद प्रदान क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ब्रह्मर्षि पद तो प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर अभी अहंकार है, यदि वह अहंकार दूर हो जाएगा तो ब्रह्मर्षि पद तो मिल ही जाएगा। और रियल में वास्तव में उन्होंने मेरे से भी ज्यादा साधना की है। ये बात दरवाजे पर खड़े विश्वामित्र सुन रहे थे और जाके वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने उठाया, उठो ब्रह्मर्षि, तब से वो जो है महर्षि हो गए। ऐसी कथाएं आती हैं शास्त्रों में। वो सदगुरु नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो योगेश जी को तो उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक और जिज्ञासु सदगुरुदेव के शिष्य के प्रश्न की ओर। और उन्होंने यह प्रश्न कल ही भेजा था और उनका यह प्रश्न था कि विहंगम योग में 5 कोटि की साधना है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है। प्रत्येक कोटि की साधना के बाद हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में? हर कोटि की साधना का क्या प्रभाव है? देखिए, जो कोटियां हैं वो हमारे अंतर की चीजें हैं, साधनात्मक चीजें हैं। बदलाव तो हमें स्वयं से भी लाना पड़ता है। वैसे अंदर में जब हमारा मन शांत होगा, प्रथम कोटि की साधना करते हैं, जब मन निग्रहित होगा तो निश्चित ही जो बहुत ज्यादा चंचलता है वो कम होगी। लेकिन अगर हम भी प्रयास नहीं करेंगे तो उतनी कम नहीं होगी। हर कोटि में हमको स्वयं भी सतर्क रहना होता है, स्वयं भी प्रयासशील होना पड़ेगा, तभी हमारे बाह्य जीवन में जो है बदलाव दिखेगा। और अगर हम स्वयं प्रयासशील नहीं है तो साधना तो अंदर का कार्य करती है लेकिन बाह्य जीवन में उतना बदलाव नहीं दिखता है। और यही कारण है बहुत सारे ऐसे उच्च साधक भी है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, साधना में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन कहीं कहीं कुछ न कुछ हमको देखने में कहीं कहीं त्रुटि लग जाती है। हो सकता है वो ठीक हो, हम अपने, क्योंकि हमारी देखने की जो दृष्टि है वो हमारे अनुसार है, हम जिस तरह का चश्मा पहनेंगे वैसे ये दृष्टि दिखेगी। अगर हमारे अंदर स्वयं ही बदलाव नहीं हुआ है तो हम सबको खराब ही देखेंगे। अगर हम स्वयं बदलाव लाए हैं तो सबको अच्छा देखेंगे। तो साधना का जो प्रभाव है वो हमारे साधना पर पड़ता है, हमारे अंदर पड़ता है, लेकिन बाह्य रूप में भी वो दिखता है। हमारा मन निग्रहित होता है, चंचलता कम होती है, क्रोध की भावना कम होती है, ईर्ष्या द्वेष की, एक जो साधक है उसके ईर्ष्या द्वेष की भावना तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाती है। बहुत ज्यादा समय व्यस्त हो रहा है, बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, वो सब समय का आप सदुपयोग समझने लगते हैं कि समय का क्या महत्व है। तो जो फालतू समय आपका व्यतीत होता था वो समय धीरे धीरे सही से व्यतीत होने लगता है, आप अपने समय का सदुपयोग समझने लगते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम कोटि की साधना में आपके व्यवहारिक जीवन में यह बदलाव होगा, द्वितीय कोटि की साधना में आपके व्यवहारिक जीवन में यह बदलाव होगा, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे अपने प्रयास पर भी निर्भर है। और हम जब प्रयास करते हैं तो साधना का असर बाहर में भी दिखता है। ठीक है जी। तो यह प्रश्न श्री मदन भंडारी जी का था और एक और प्रश्न उनका था जो मैं पूछना भूल गया, तो मैं उसे दोबारा पूछना चाहूंगा। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या किसी ने जीवित रहते मुक्ति का अनुभव किया है? हाँ हाँ किया है। देखिए, जो एक स्वर्गीय श्री अंबिका बाबू के विषय में कहा गया है कि वो जीवन मुक्त योगी थे, सदगुरुदेव ने उन्हें विदेह मुक्त किया था, जीते जी जो है उन्हें मुक्ति प्रदान की थी, शरीर छोड़े थे तो सदगुरुदेव ने कहा कि वो मुक्त हो गए हैं और वो मुक्त हुए थे। और बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनको सदगुरुदेव ने मुक्त किया था,
अपने समक्ष मुक्त किया था, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जीते जी मुक्त नहीं हुए हैं। और एक उदाहरण अंबिका सिंह जी हैं जो डेहरी आंसोन के थे, और पूरा संसमाज जानता है कि उन्हें सदगुरुदेव ने जीवन मुक्ति प्रदान की थी। और बहुत सारे ऐसे शिष्य जो महर्षि सदा फलदेव जी महाराज के समय के हैं, जिन्हें सदगुरुदेव ने मुक्त किया था, जैसे सेवाव्रती जी इत्यादि, जिनकी कथाएं हम लोग पंडित श्री अचलेश्वर मिश्र जी जो हमको पढ़ाते थे झूसी में, उन्होंने बताई थी कि सदगुरुदेव ने जो है बहुत ज्यादा उनकी परीक्षा पहले ली। बड़े स्वामी जी सदा फलदेव जी महाराज जो भी बोझ रहता था सब उन्हीं पर डाल देते थे, और अचलेश्वर बाबा के पास जो सामान रहता था सब उनके कंधे पर डाल देते थे कि ये झुझलाए, ये व्यक्ति कुछ प्रत्युत्तर दे सदगुरुदेव का। लेकिन वो प्रत्युत्तर नहीं देते थे, सहज भाव में स्वीकार कर लेते थे। अचलेश्वर बाबा एक दो बार उनको समझाए भी कि सेवाव्रती जी आपको सदगुरुदेव इतना डांटते रहते हैं, आप जो है क्यों सहते हैं, हमको दे दिया करिए ना। तो उन्होंने कहा आपका जो काम है वो आप करिए, हमारे काम में आप मत बोलिए, बीच में बाधा, गुरु शिष्य के बीच में आप बाधक मत बनिए, आप अपना काम देखिए। कई बार अचलेश्वर बाबा उनको टोके, नहीं माने। एक दिन स्वामी जी प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि सेवाव्रती, उन्होंने कहा जी सदगुरु बैठो आगे, सामने आओ बैठो, और सामने बैठा लिए। सामने बैठा लिए तो स्वामी जी शुरू किए साधना कराना, साधना में बैठ जाओ, साधना कराने लगे। अब थोड़ी देर बाद बाबा लोग भी बैठे थे, अचलेश्वर बाबा भी साथ में ही थे, और देखते हैं कि उनका शरीर बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में स्थिर है। बहुत देर हो गया, डेढ़ दो घंटा हो गया, फिर सदगुरुदेव ने कहा कि अब नीचे आओ, सेवा का समय हो गया है, नीचे आओ। फिर वो उनकी चेतना जो है जागृत हुई, उस शरीर में आ गए और फिर हिलने डुलने लगे। फिर सदगुरुदेव ने कहा कि क्या क्या देखे बताओ। उन्होंने पूरे अद्भुत दृश्यों का वर्णन किया कि वो श्वेत प्रकाश, वो अलौकिक छवि जिसको मैंने कभी नहीं सोचा था, प्रभु आपकी कृपा से देखा। बहुत सारी चीजों को, अनुभूतियों को उन्होंने वर्णित किया। तो उन्हें जो है सेवा मुक्त जो है जीवन मुक्ति सदगुरुदेव ने प्रदान की थी। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं, और बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनको सदगुरुदेव ने मुक्ति देनी चाहिए लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऐसे भी हैं, जैसा कि डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद जी ही जो प्रधानमंत्री थे संत समाज के, टाटा में रहते थे, उन्हें सदगुरुदेव मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा सदगुरुदेव से अंतिम समय में कि सदगुरुदेव मुझे मुक्त मत करिएगा, मुझे मुक्त नहीं होना है। स्वामी जी ने कहा क्यों, सब तो मुक्त होना चाहते, आप क्यों नहीं मुक्त होंगे। उन्होंने कहा क्योंकि मैंने आपकी सेवा नहीं की है, इसलिए मुझे सेवा का अवसर एक बार और दीजिए, मुझे सेवा करनी है सदगुरुदेव। सदगुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, सेवा का अवसर दे दिए। और सदगुरुदेव ने अमृतवाणी में भी कहा था कि वो मुक्त नहीं हुए हैं, वो इटली में जन्म ले चुके हैं। तो ये सदगुरु की कृपा है, कोई मुक्त होना चाहता है मुक्त हुआ, और कोई कोई मुक्त होना ही नहीं चाहता, जैसे पंडित श्री अचलेश्वर मिश्र जी, उन्होंने भी सदगुरुदेव से ही कहा कि हे सदगुरुदेव, जब तक आप इस दुनिया में आते जाते रहेंगे मैं यही रहना चाहता, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। स्वामी जी ने कहा सब तो जाना चाहते, आप क्यों रहना चाहते। बोले नहीं नहीं हम यही रहेंगे, लेकिन मेरी एक इच्छा है। उन्होंने व्यक्त रूप में बताया था हम लोगों से, बोले मेरी एक इच्छा है कि मुझे जो है दंडक बन के पास कहें जन्म मिले। तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका जन्म भी हो चुका है। ये सदगुरु की कृपा है। सदगुरु कब किसको कहाँ जन्म दे दे, कब किसको, देखिए हमारे अब वहां विदेश का नहीं जानते, लेकिन अपने इंडिया में LIC में एक स्लोगन कहा जाता है, मैं और भी बोला हूँ कई जगह, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वो स्लोगन बहुत फेमस है LIC वालों का, लेकिन मैं ये कहूं कि जीवन के साथ भी तो ठीक है, म्यूचुअल फंड देता है वो जो है हर 5 साल पे कुछ न कुछ देता रहता है बोनस वगैरह, और 20 साल पूरा हुआ तो दे दिया, जीवित है तो ठीक है। मरने के बाद जो मिलता है, अब वो बताइए कि आपके लिए होता है, हमारे लिए होता है, नहीं होता है। वो तो हमारे किसी पारिवारिक व्यक्ति के लिए होता है, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए तो जीवन के बाद वो काम आया नहीं। तो जीवन के बाद भी जो बात है वो है विहंगम योग में,
जीवन के बाद भी, जीवन के साथ तो सद्गुरुदेव सहायता कर ही रहे हैं लेकिन जीवन के बाद भी सद्गुरुदेव सहायता करते हैं, ऐसी बहुत सारे शिष्यों की घटनाएं हमारे आपके साथ जुड़ी हुई है कि मरने के बाद भी सद्गुरु उनका हाथ पकड़ करके अपने लोक में ले जाते हैं। यह है जीवन के बाद की घटना, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी सद्गुरु हमारी आपकी सहायता करते हैं। और गीता में भी कहा गया है, अर्जुन ने जब प्रश्न किया था श्री कृष्ण से कि युद्ध क्षेत्र में आप उपदेश कर रहे हो और पता चला कि कल ही हम वीर गति को प्राप्त हो गए, फिर आपका योग कहाँ काम आएगा, योग क्यों करूं मैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, योग करोगे तो योग का फल तुम्हें मिलेगा और पुनः जितनी योग साधना तुम्हारी हुई है उसी योग साधना के फल स्वरूप तुम्हें अगला जन्म मिलेगा और फिर किसी महापुरुष के घर जन्म लेकर के तुम पुनः साधना करोगे। उस योगी को योग भ्रष्ट कहते हैं, योग भ्रष्टो भी जायते, गीता में आए योग भ्रष्ट कहते हैं। संत बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुर संत का संत, ये गुरु की कृपा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्तम इस प्रश्न को लेने के लिए, इस प्रश्न का इतना बृहद व्याख्या के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मदन भंडारी जी का जो प्रश्न है वह उनके और इस ब्रिज लाइन में जुड़े सभी लोगों के शंकाओं का पूर्ण निवारण किया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी कि आपने अपने अनुभवों से विहंगम योग के सिद्धांत को और अपने संस्मरण को हम सभी से साझा किया। आज के सत्संग में अपने प्रवचन से हम सभी को कृतार्थ किया, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है सत्संग को समापन की ओर ले जाने से पूर्व मैं निरंजन जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आज हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा जी के धन्यवाद में दो शब्द कहें। आप निरंजन जी। जय सद्गुरुदेव, साधक प्रणाम, इंदु प्रकाश मिश्रा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हम सभी को समय देने के लिए। इंदु प्रकाश मिश्रा जी के बारे में क्या कहा जाए, हम सब जानते हैं कि इन्होंने कि आप में एक दृढ़ संकल्प शक्ति है, एक अप्रतिम सहयोग और सद्भाव की भावना रहती है हर समय। स्वाध्याय और सत्संग में इनकी इतनी गहरी रुचि है, इतना लगाव है। जब स्वाध्याय करते हैं तो साधना कैसे बढ़े, जब साधना करते हैं तो स्वाध्याय कैसे हो, हर समय इनका चिंतन लगा रहता है और भारतीय संस्कृति के प्रति भी गहरी संवेदना और सद्गुरुदेव के प्रति अटूट भक्ति हम सबने अभी सुना है। इंदु प्रकाश मिश्रा जी हैं जिन्होंने सदगुरु सदाफल देव ब्रह्मचर्य पद्धति नामक पुस्तक की रचना की, उनको लिखा, उसको अपने लिपिबद्ध किया और संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज द्वारा जितनी भी दिव्य वाणियां जो पहले हुआ करती थी उनका संकलन, उन सबका संकलन जो है दिव्य वाणी श्रीवेद कथामृत के रूप में हम सबके समक्ष जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप युवा शक्ति तो हैं, युवा वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, आप जो है युवा शक्ति के प्रेरक प्रतीक व्यवहार में जो है एक रूपता रखने वाले हैं, जो अंदर है वही बाहर है। सो और हमने यह भी देखा है बहुत लंबे समय से, लंबे अरसे से मैं और हम सब आपको जानते हैं, देखा है कि आप बड़ों का जो है अत्यधिक सम्मान करने का जो विनम्र भाव है, जो वह सेवा भाव है, वह कूट कूट करके भरा हुआ है। चाहे वह, मैं तो यहाँ बड़े बोल रहा हूँ, वह छोटे को भी उसी तरीके से उसी भाव से देखते हैं, उसी भाव से उसके सेवा के लिए जो है आगे दौड़ के चले जाते हैं। सादगी तो आपकी जीवन शैली करके इतने सारे गुणों को लेकर के सहजता भाव में रहना है और हो जाना कि आपको जो है एक विद्वान का मतलब ठिकाना है, बाह्य प्रदर्शन से आप सर्वथा दूर होते हैं, सभी को पता है, कोई मतलब नहीं।
आंतरिक दर्शन के लिए हर समय सदगुरु के चरणों में प्रार्थना चलती रहती है। सभी साधक हैं आप ऐसे, तो ऐसे साधकों को, ऐसे उपदेष्टा को, ऐसे विद्वान को हम नमन करते हैं। सौवेद में स्वामी जी ने लिखा कि ब्रह्म देता विज्ञान व बोध शांति सुख पार सार अश्रुत ज्ञान गुरु दीजिए हे प्रभु की पापा। सत सत अभिनंदन के साथ मैं इंद्र प्रभाव कुंडला जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपने हमारे मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा जी का धन्यवाद किया और आज के इस सत्संग को समापन की ओर ले गए। अब हम सत्संग की अंतिम कड़ी में आज के सत्संग को समापन की ओर ले जाएंगे शांति पाठ के माध्यम से, जहां पर हम संपूर्ण विश्व की शांति के लिए सदगुरुदेव के चरणों में शांति पाठ की अंतिम कुछ पंक्तियों को अर्पित करेंगे। सदगुरुदेव के चरणों में शांति पाठ की अंतिम कुछ पंक्तियों को रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अनु जी को कि आप आए और शांति पाठ की पंक्तियों को गुरुदेव के चरणों में रखें। आप अनु जी। धन्यवाद भैया। जय सदगुरुदेव आप सभी को। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांति, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सदगुरु देव भगवान की जय। सुधांशु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अनु जी आपने बड़ी ही सुंदर वाणी से शांति पाठ की पंक्तियों को गुरुदेव के चरण में रखा और आज के इस सत्संग को समापन की ओर ले गई। आज हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य रहा कि सद्गुरुदेव के एक सेवादित शिष्य डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्र जी को सुनने का हम सभी को मौका मिला, उनके विहंगम योग की यात्रा को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, विहंगम योग के सिद्धांतों को, मानव जीवन में मनुष्य के लक्ष्य को और सदगुरुदेव से जुड़े न जाने कितने संस्मरणों को आज हमने सुना। इन संस्मरण को सुन के, इनकी विहंगम योग की यात्रा को सुन के आज हम सभी ने यह जाना कि गुरुदेव के चरणों में किस प्रकार के समर्पण की आवश्यकता एक शिष्य के अंदर होती है, किस प्रकार की दीनता अधीनता की आवश्यकता एक शिष्य के अंदर होती है। और जैसा कि स्वामी जी ने सदैव कहा कि वह दीनता, वह अधीनता, वह समर्पण अध्यात्म पथ में वह आगे बढ़ने की जो प्रयास है वह तभी फलीभूत होगा जब हम सभी सेवा साधना और सत्संग में सदैव लगे रहेंगे। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए तीन सार संसार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के इस सत्र में जुड़े। कल पुनः 9:30 बजे हम इसी ब्रिज लाइन पर विहंगम योग में सदगुरुदेव के एक और सेवाजित शिष्य को आमंत्रित करेंगे। हम सभी को उनके अनुभवों को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय सदगुरुदेव।